अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको माश की दाल और चने की दाल बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये किया है कि एक घंटे पहले मैंने इसको भिगा दिया था और उसके बाद आप देखें कि काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है और जल्दी पक जाती है। इसमें एक घंटे के बाद फिर मैंने इसको इसमें कढ़ाई में डाला है इसको, और मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। इसके अंदर डालने के लिए हम सबसे पहले जो है वो हम अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच एक मतलब टीस्पून डालेंगे, और उसके बाद 8 साबुत लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और अदरक 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्च, तेज़ पत्ता जो है वो 2 डालेंगे, 2 हम डालेंगे ये बड़ी इलायची, और 5 या 6 अदद हम ये लौंग डालेंगे, और 8 अदद काली गोल मिर्च डालेंगे। इसके अलावा ये ज़ीरा जो है वो भी 1 टीस्पून, और दालचीनी है ये 1 टुकड़ा डालेंगे, इसको बीच में से मैंने तोड़ दिया है दरमियान से, और ये हम डालेंगे। ये तीनों चीज़ें हैं ये, और ये टमाटर है, 1 टमाटर है, ये तीनों चीज़ें दाल में डालेंगी। उसके अलावा गार्निश के लिए मैंने जो चीज़ें रखी हैं तो उसमें अदरक है, अदरक का 1 टुकड़ा 1 इंच का लिया है, उसको बारीक बारीक काट दिया है, और इसके अलावा मैंने ये आपके सामने आप देखें ये पुदीना है, पुदीने के आधी गट्ठी लिए, 1 गट्ठी नहीं बल्कि आधी गट्ठी लिए, और हरी मिर्च है 6 अदद लिए, 6 अदद मैंने ये बारीक बारीक काट दिए हैं। उसके बाद ये हम उसके बाद जब लास्ट में जब इसका बघार करेंगे तो बघार के लिए मैंने ये ऑयल लिया है, ये 1/3 उसके मग का 1/3 है, और इसके अलावा प्याज जो है ये 2 अदद है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिए, और ज़ीरा 1 टीस्पून, और 8 लाल मिर्च ये बघार की हैं। पहले प्याज हम भूनेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी भूनते हुए। प्याज भूनने के बाद हम पहले ये साबुत मिर्च डालेंगे और उसके बाद ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि ज़ीरा अगर हमने पहले डाल दिया तो वो जल्दी जल जाता है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं तो इसके अंदर हींग है, इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको हम पकते में ही डालेंगे। जब इसका पक रहा होगा ना ये, तो उसमें लास्ट में हम डाल देंगे बिल्कुल, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि डिश आउट के बाद उसके ऊपर जो हम चीज़ें डालेंगे तो वो ये रखी हुई है, वो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। माश की दाल के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भीग जाती है तो उसके बाद मैंने ये एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में ये माश की दाल डाली है, और 2.5 कप इसमें पानी डाला है, ये पहले से ना भीगी हुई है दाल। अब इसके बाद मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, चूल्हा मैंने ऑन किया, ये मैंने काफ़ी तेज़ आंच में किया है, और तेज़ आंच में इसलिए किया कि पहले एकदम पानी बॉयल हो जाए, और उसके बाद फिर मैं ये तमाम चीज़ें डालूँगी, ज़रा सा बॉयल हो जाएगा ना फिर डालूँगी चीज़ें, अभी फ़िलहाल मैं मुझे कुछ नहीं डालना। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है, आप देख रही हैं इसमें बॉयल आया है, इस चमचे से जाली के चमचे से मैं थोड़ा इसका झाग ज़रूर निकाल लें, आप झाग लाजमी निकालना है, ये आप देखिए मैंने निकाल लिया झाग, और जो ज़रा थोड़ा बहुत रह जाए वो अलग बात है, लेकिन निकालना है झाग। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसमें से चमचे से इसका जो झाग ऊपर जो आए हैं वो निकालूंगी। ये इसके मैंने झाग निकाल लिए, जो थोड़े बहुत हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ, ताकि मैं कोशिश ये करूँगी कि तमाम झाग निकल जाए इसके। ये देखिए ये सब झाग इसके निकल चुके हैं। अब इसमें जो चीज़ें मुझे डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कि जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसमें जाएंगी। सबसे पहले जो मैं डालूँगी ये साबुत मिर्च, अदरक,
हरी मिर्च, ये आप लहसुन लहसुन डालूँगी, अदरक डाल चुकी हूँ, और नमक लास्ट में डालते हैं क्योंकि दाल गलती नहीं है अगर आप शुरू में नमक डाल देती। ये मैं दालचीनी डालूँगी, ये मैं तेज़पात डालती हूँ इसके अंदर, ये तेज़पात डाल दिए मैंने, और ये जो है ये लौंगे हैं, तीन चीज़ें हैं, लौंगे हैं, गोल मिर्च है, गोल काली मिर्च है, और दो बड़ी इलायची है, ये डाल दिए मैंने, और ये ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, और टमाटर भी इसके साथ ही डालने हैं। बस ये सारे डालने के बाद अब ये जब गल चुकेगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, और बताती हूँ आपको। अब देखिए मैंने ये जो दाल पक रही थी क्योंकि बॉईल हो गई थी और काफ़ी हद तक बॉईल हो गई है, तो इसको हल्की आंच मैंने कर दी, तेल पे अपने मैंने हल्की आंच किया, और इसके बाद इसको ढक दिया इसको। अब ये मज़ीद 10 मिनट और पकेगी, और उससे पहले 10 मिनट पक चुकी है और 10 मिनट और पकेगी। ये देखिए कढ़ाई मैंने गरम करने को रख दी है, चूल्हा ऑन कर दिया है, और ये उसके बाद 1/3 जो है ये ऑयल में डाल रही हूँ, इसमें बघार के लिए है ये ऑयल। ज़रा थोड़ा गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ, ठंडे जो ऑयल है उसमें प्याज नहीं डाली जाती, थोड़ा गरम होने के बाद इसको प्याज में डाल दूँ। ये प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसको चलाऊँगी थोड़ा थोड़ा। इसको चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये कि साइड से ज़्यादा जल जाए लग जाए, तो इसलिए आप खड़ी रहिए और साथ में इसको नज़रों के सामने रखिएगा और चलाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये बिल्कुल ब्राउन हो तब इसको हटाया जाए। और उससे पहले मैं और चीज़ें भी डालूँगी, और आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा आप इसमें मतलब शेयर भी करें आप आपके दोस्तों से, और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनसे शेयर कीजिएगा। कोशिश मैं ये करूँगी कि आप अगर कमेंट्स करती हैं तो आप कमेंट्स करें, तो कमेंट्स आप करेंगी तो जो चीज़ आप चाहेंगी बनवाना तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। देखिए तकरीबन प्याज जो है ये भुनने वाली है, बल्कि चूल्हा मैं और थोड़ा हल्का कर देती हूँ, बिल्कुल लाइट कर दिया है, और क्योंकि ज़्यादा नहीं हो जाए तो इसलिए मैं मिर्चें डाल ली हूँ। ये देखिए ये मिर्चें डाल दी, और ये है ये मिर्चें मैंने डाल दी, गोल मिर्च, गोल मिर्च थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर उसके बाद लास्ट में जब मैं इसको निकालूँगी ना तो उस वक्त मैं फिर ज़ीरा डाल दूँगी। ये बघार है इसका, थोड़ा सा और तेज़ कर दूँगी। बस सिर्फ ख्याल ये होता है कि प्याज ना जलने नहीं पाए या बहुत ज़्यादा कलर ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको चला भी रही हूँ। ये देखिए ये तकरीबन गुलाबी पिंक सी हो रही है, ये आप देखिए। चलाती रहिए ताकि चारों तरफ से एक हो जाए। अब इसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा ज़ीरा डालूँगी, जो मैंने एक चम्मच जो एक मतलब टेबल स्पून दिया था ना वो डालूँगी, और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। असल जायका जो है ना वो ज़ीरे से आता है, और ये साबुत में रस से। अब मैं चूल्हे को ऑफ कर देती हूँ। चूल्हा ऑफ करने के बाद इसको मैं चूल्हे से थोड़ा हटा दूंगी। ये प्याज को हटा दूंगी क्योंकि ये गर्म है, और अगर मैं नहीं हटाऊंगी तो ये मज़ीद ब्लैक हो जाएगी, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है।
बाद में बघार में डालूँगी। लास्ट में जो है वो मैं थोड़ा हींग डालूँगी। ये देखिए ये हींग, हींग डालना ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखें ना कि इसमें थोड़ा बाजीपन होता है चने की दाल में ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ अदरक भी ज़्यादा डालूँ, और हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, हल्की सी बिल्कुल चावल के दाने के बराबर, बल्कि उससे भी कम। ये देखिए ये तैयार है हमारा, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए ये मैंने हमारी माश की दाल तैयार है, मैंने जो पानी डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद मैं बघार करूँगी, बस ठीक है। अब देखिए मैंने दाल निकालूँगी और इसको डिश आउट करूँगी, और तो उसके बाद ऊपर से इसका बघार डालूँगी। ये बिल्कुल रेडी है दाल। ये जो मैंने बघार किया था, अब मैं ये ऊपर से इसको डालूंगी बघार को। ये देखिए ये बघार डाला मैंने, और ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि ये बघार जो है वो अंदर भी चला जाए। ये हो गया। अब इसके बाद ना ये जो प्याज और ये चीज़ थी इसको, क्योंकि मैंने हटा दी थी आपको, ये हटा दी थी इसलिए अब मैं इसको भी डाल रही हूँ। आप देखिए ठीक है, ये कर दिए। अच्छा इसके बाद अब इसके जो ऊपर ये देखिए इसके ऊपर ये पुदीना डाला है मैंने, गार्निश कर रही हूँ मैं इसको, पुदीना डाला है और ये हरी मिर्च डाल रही हूँ, और ये अदरक,